चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। Bad bitch and she from China town. Hop in the whip, get out fast, dodge your bounce. Smoke on her gas and I be serving other pounds. Give me sippin' a honey, another 40 going down. Now you can strap out. तो ऊपर मेरे भाई लोग क्या हाल है, आई होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे। मुझे ना बहुत दिनों से कमेंट बॉक्स में एक चीज देखने को मिल रही है कि भाई फायर बटन का साइज बताओ, भाई प्लीज फायर बटन के ऊपर कोई वीडियो ले गया। फाइनली आज पूरा का पूरा वीडियो ना फायर बटन के ऊपर होने वाला है। अगर आप लोगों के पास 1 GB रैम वाला मोबाइल है या फिर 2 GB रैम वाला मोबाइल है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम्हारा भाई हर एक मोबाइल की रैम के अकॉर्डिंग बेस्ट फायर बटन साइज बताने वाला है। लेकिन सबसे पहले ये जान लेते कि फायर बटन का साइज इतना ज्यादा मैटर क्यों करता है। आप सब जानते हो स्ट्रेट ड्रैग यूज करते टाइम या फिर रोटेशन ड्रैग यूज करते टाइम हमको क्या करना पड़ता है, फायर बटन को ड्रैग करना पड़ता है। एंड ड्रैग प्रोसेस करने के लिए फायर बटन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए अगर आप अपने फायर बटन के साइज को परफेक्ट नहीं रखोगे तो उसको ड्रैग करने में एंड यूज करने में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। लेकिन गाइस ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को इनमें से कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। तो हम स्टार्टिंग करते हैं अपने लो एंड डिवाइसेज के साथ। अगर आप लोगों के पास 1 GB रैम वाला मोबाइल है या फिर 2 GB रैम वाला मोबाइल है, दोस्तों फायर बटन का साइज आपकी स्क्रीन के साइज पे बहुत ही ज्यादा डिपेंड करता है। लाइक कुछ मोबाइल का स्क्रीन 4 इंचेस का होता है एंड कुछ मोबाइल का स्क्रीन 6 इंचेस तक होता है। सो स्क्रीन का साइज भी एक ऐसा फैक्टर जो फायर बटन के साइज के ऊपर इफेक्ट डालता है। हमारे जितने भी 1 GB एंड 2 GB रैम वाले मोबाइल होते हैं ना गाइस, उनका स्क्रीन बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। एंड लिटरली मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इनसे ज्यादा लेजेंड प्लेयर पूरे वर्ल्ड के अंदर कोई भी नहीं है। जो बंदा 1 GB एंड 2 GB रैम वाले मोबाइल के अंदर खेलता है ना गाइस, वो रियल लेजेंड है। सो गाइस उनके नाम पे एक लाइक तो बनता है। सो अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि 1 GB एंड 2 GB रैम वाले मोबाइल के अंदर फायर बटन का पोजीशन कहाँ पे रखना है। देखो आप सब स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मैंने मेरे फायर बटन को क्या किया है, स्क्रीन से थोड़ा सा ऊपर रखा है, जिसके कारण मुझे 1 GB रैम वाले मोबाइल के अंदर काफी ज्यादा ड्रैग मिल जाता है। एंड गाइस मैं अच्छे से अच्छे वन टैप अपर्चर मार पाता हूँ। एंड आप लोगों को भी क्या करना है, 1 GB एंड 2 GB रैम मोबाइल के अंदर अपना जो फायर बटन है उसको यहाँ पे रखना है, ताकि आप लोगों को ड्रैग मारते टाइम प्रॉपर ड्रैग मिले एंड आप लोग ड्रैग हेडशॉट एंड वन टैप हेडशॉट इजीली मार पाओ। और रही बात फायर बटन के साइज की, तो आप लोगों को 1 GB एंड 2 GB रैम मोबाइल के अंदर अपना जो फायर बटन साइज है वो 40-45 रखना है। एंड लो हैंड इन डिवाइसेज के लिए एक एडवांस टिप मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। आप लोग जितना अपने फायर बटन को ऊपर तक ड्रैग कर सकते हो ना गाइस, आप लोगों को अपना जो फायर बटन उतना ऊपर तक ड्रैग करना, ताकि आप लोगों को अच्छे से अच्छा ड्रैग मिले एंड आप लोगों के हेडशॉट भी काफी अच्छे लगे। सो अभी हम डिस्कस करते हैं 3 GB एंड 4 GB रैम वाले मोबाइल के बेस्ट फायर बटन का साइज एंड बेस्ट फायर बटन पोजीशन। देखो 3 GB एंड 4 GB रैम वाले मोबाइल ज्यादा लो डिवाइसेज तो नहीं होते हैं, बट एक्चुअली में ये सब लो डिवाइसेज होते हैं। एंड इस बात का मतलब मुझे भी समझ में नहीं आया, अगर आप लोगों को ये बात समझ में आ गई तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख देना। वैसे 3 GB एंड 4 GB रैम मोबाइल के अंदर अच्छे खासे हेडशॉट्स लग जाते हैं अगर कोई मारने वाला होता है तो। मेरे सब्सक्राइबर जानते हैं कि मैं भी 4 GB रैम वाले मोबाइल के अंदर खेलता हूं और जो मेरे हेडशॉट ठीक ठाक लग जाते हैं। आप लोगों को मेरे हेडशॉट कैसे लगते हैं प्लीज कमेंट करके बता देना। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम अपने फायर बटन के साइज के बारे में बात करते हैं। लेकिन गाइस उससे पहले हम अपने फायर बटन के पोजीशन के बारे में जान लेते हैं। देखो 3 GB एंड 4 GB रैम वाले मोबाइल का स्क्रीन साइज जो होता है वो ठीक ठाक सा होता है, मतलब कि 5 इंची से लेकर 6 इंची तक होता है। अगर आप लोग 6 इंची वाले मोबाइल में खेल रहे हो तो आप लोगों को अपना जो फायर बटन का पोजीशन है अपने थंब के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना, ताकि आप लोगों का जो थंब है अपने फायर बटन पे इजीली क्लिक कर पाओ एंड आप लोग ड्रैग कर पाओ। क्योंकि मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ, मेरे मोबाइल का स्क्रीन जो है मेरे थंब से बड़ा है, इसीलिए मैं प्रॉपर ड्रैग नहीं कर पाता। तो आप लोगों को क्या करना है, अपने थंब के अकॉर्डिंग अपने फायर बटन को एडजस्ट करना है। एंड अगर साइज की बात की जाए तो आप लोगों को फायर बटन का साइज 45-50 के बीच में रखना है। एंड मैं पर्सनली रिकमेंड करूं तो आप लोगों को फायर बटन का साइज 47 रखना चाहिए। तो अभी हम बात करते हैं 6 GB to 12 GB रैम वाले मोबाइल के बारे में। लेकिन उससे पहले गाइस अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके ना बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट कर लेना, वरना इस तंत्र को ढूंढते होगे। एंड वीडियो को बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगी है, सो प्लीज यार वीडियो पे एक लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाना। तो भाई लोग अगर आप लोग 6 GB से लेकर 12 GB रैम वाले मोबाइल में खेलते हो ना, तो आप लोगों को ड्रैग करने में मजा ही आ जाता है, क्योंकि इतनी सेंसिटिविटी पर तो ओनली हेडशॉट्स ही लगने चाहिए, बट फिर भी आप लोग हेडशॉट नहीं मार पाते हो। अगर मुझे ऐसा मोबाइल दे दिया जाए तो मैं एकदम राइट स्टार बन जाऊँ। एंड गाइस मूवमेंट स्पीड की तो मूछो ही मत, मैं राइट स्टार से भी खतरनाक मूवमेंट कर सकता हूँ। लेकिन हमारी फूटी किस्मत, हम लोगों को 4 GB रैम वाले मोबाइल के अंदर ही खेलना पड़ता है गाइस। तो अपनी दुखी खाता को छोड़ते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि 6 GB एंड 12 GB रैम वाले मोबाइल में खेलने वाले प्लेयर को अपना फायर बटन साइज एंड पोजीशन कहाँ पे रखना चाहिए। आप लोगों को क्या करना है, जस्ट कुछ भी नहीं करना, अपना थंब लेना एंड फायर बटन पे अटैच कर देना। उसके बाद आप लोग देख सकते हो आप लोगों का जो थंब का साइज होगा ना, आप लोगों को अपने फायर बटन का साइज भी उतना ही रखना है। एंड गाइस आप लोगों के पोजीशन की बात करूं तो आप लोगों का जो फायर बटन का पोजीशन होगा वो उस पोजीशन पे होना चाहिए, ताकि आप लोगों का जो ड्रैग स्पीड है वो अच्छा खासा बजाए एंड आप लोगों को ड्रैग करते टाइम कोई भी प्रॉब्लम ना आए। आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी, तो प्लीज यार वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट कर देना। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को एंजॉय करते रहिए।